हाय गाइस, मेरा नाम है संदीप और इसका नाम है Redmi K20 Pro एंड इसके अंदर रोम इंस्टॉल्ड है वोल्टेज OS का लेटेस्ट 1.1 एंड्रॉइड 12 बेस्ड अपडेट और ये मेरे को काफी ज्यादा पसंद आया है। रीजंस क्या हैं वो आपको मैं इस वीडियो के अंदर शेयर करता हूं, बट उससे पहले अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना, बेल आइकन कॉल पे करना एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर से कर सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल ये है इसका लेटेस्ट अपडेट 1.1 के ऊपर बेस्ड, जो कि हमें वर्जन देखने को मिलता है वोल्टेज OS की ओर से और ये एंड्रॉइड 12 के ऊपर आपको प्योरली देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे 1.1 ऑफिशियल वर्जन है, उसके बाद नवंबर का सिक्योरिटी पैच लेवल आपको देखने को मिल जाता है जो कि काफी ज्यादा जो है अभी लेटेस्ट हो चुका है। और फर्स्ट राउंड मैंने यहाँ पे चेक किया कि इसके साथ नवंबर का सिक्योरिटी पैच लेवल आपको मिलता है, उसके बाद गूगल प्ले सिस्टम अपडेट 12 और यहाँ पे पर्फ का कर्नल इस रॉम के अंदर इन बिल्ड मिलता है एंड इस रॉम के ऊपर आपको इनक्रिप्शन की बग देखने को मिल जाती है, उसके साथ सिलिनिक्स स्टेटस आपका एनफोर्सिंग आपको मिल जाएगा। अब इसका फर्स्ट अपडेट आया था जब मैंने इसका वीडियो डाला था, उसके बाद एक और आया, ये थर्ड अपडेट है। ये थर्ड अपडेट आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो यानी कि आप मान सकते हो। और उसके बाद सबसे पहले एक बग मेरे को यहाँ पे और मिली है, यहाँ पे जो आपका वाइट थीमिंग है ना या फिर जो ओवरले होती है वो समटाइम्स शो नहीं करता, ये आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। ये समटाइम्स शो करता है बट समटाइम्स यहाँ पे शो नहीं करता, इसका भी मेरे को एक बग लगा है। उसके बाद वाइट थीमिंग प्रेजेंट है और इंटरनेट स्विचेस वगैरह सब कुछ आपको मिल जाता है, वो सभी चीजें सेम आपको मिल जाती है। रॉम के अंदर जो आपको लॉन्चर मिलता है ना वो है क्विक स्टेप का लॉन्चर, ये ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। एंड सबसे इंटरेस्टिंग चीज, डेवलपर ऑप्शंस के अंदर आप जाके चेक करोगे ना तो जो एनिमेशन की स्पीड है वो आपको 1x के अंदर ही देखने को मिल जाएगी, बट अगर आपको मैं यहाँ पे एनिमेशन की स्पीड चेक करवाऊं तो आप देख सकते हो ओपनिंग या फिर क्लोजिंग एनिमेशन है वो काफी ज्यादा फास्ट देखने को मिल जाते हैं। OSS वेंडर के साथ ये वाली रॉम मिल जाती है और एंड्रॉइड 11 का फर्मवेयर यहाँ पे मैंने इंस्टॉल किया है यानी कि आपको फ्लैश करना पड़ेगा और साथ में आपको GFS इसके अंदर नहीं मिलते, बट जो रिस्पांस है ना वो मेरे को भाग गया भाई। यहाँ पे आप देख सकते हो जो एनिमेशन है ना वो कुछ ऐसे आपको देखने को मिल जाते हैं। लिटरली स्मूथनेस तो आपको एंड्रॉइड 12 के अंदर मिलती है सभी रॉम्स के अंदर, बट जो ये आपको फास्ट रिस्पॉन्स यहाँ पे मिल रहा है ना ये मैंने फर्स्ट टाइम एंड्रॉइड 12 की रॉम के ऊपर जो है एक्सपीरियंस किया है रेडमी K20 प्रो के लिए। नीचे स्क्रीनशॉट एंड क्लियर ऑल का भी आपको बटन मिलता है और वेनिला बिल्ड है तो आप जो है GApps का लिंक भी मैं देता हूं, उनको आप फ्लैश कर सकते हो और मैंने यहां पे बेसिक वाले जो है फ्लैश किए हैं, आप भी यहां पे कोई भी कर सकते हो। आपका जो डिवाइस है वो यहां पर सर्टिफाइड आपको मिलता है, DRM इन्फो के अंदर आपको वाइडवाइन L1 भी यहां पे मिल जाएगा जो कि आप चेक कर सकते हो। उसके बाद यहां पे सभी चीजें सेम है, थीम्ड आइकॉन मिल जाएगा बट जो है थीम्ड आइकॉन आप देखोगे ना काफी ज्यादा एप्स के ऊपर अप्लाई हो जाता है और जो थीम्ड आइकॉन है वो थोड़े से डिफरेंट भी आपको मिल जाएगा। क्लॉक आप डाउनलोड करके इसका विजेट ऐड कर सकते हो, ये मैंने सेपरेटली की है। एक चीज की मेरे को कमी लगी है, कैमरा तो आपको ये वाला यहाँ पर मिल जाता है जो कि आप चेक कर सकते हो, बट इसको आई थिंक कोई यूज नहीं करेगा। अभी मैं सबसे पहले ANX कैमरा चेक करवाता हूँ, तो ANX कैमरा के अंदर प्रॉब्लम क्या है कि आप जो मैक्सिमम क्वालिटी मिलती है ना वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए वो 1080p 60fps के अंदर ही देखने को मिल जाती है और बाकी आई थिंक आपका जो है यहाँ पे पोर्ट्रेट तो डेड ही रहने वाला है, जिसके ऊपर मैंने वीडियो ऑलरेडी डाली है कि आप कैसे एंड्रॉइड 12 के ऊपर ANX कैमरा को फ्लैश कर सकते हो। और TR कैमरा के अंदर या फिर कोई भी GCam हो उसके अंदर भी सेम प्रॉब्लम है, 4K के ऊपर क्लिक करते ही आपका जो कैमरा है वो क्रैश कर जाता है। मैं मोस्टली इसी कैमरा को यूज करता हूँ वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए, बट इसके अंदर जो है ये इशू मेरे को मिला है। और अब आते हैं यहाँ पे सेटिंग के ऊपर, अब इसके कस्टमाइजेशन की बात करते हैं, बट उससे पहले थीम्ड आइकॉन वगैरह सब कुछ मैंने आपको चेक करवा दिया। जस्टिस के अंदर आते हैं, सिस्टम नेविगेशन के अंदर आपको यहाँ पे यही सब सेटिंग्स देखने को मिलती है, स्वाइप टू स्क्रीनशॉट वर्किंग है, कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली एंड अपडेटर आपको मिल जाता है, OTA अपडेट्स आप चेकआउट कर सकते हैं। अब आते हैं सिक्योरिटी के ऊपर, सिक्योरिटी के अंदर स्क्रीन ऑफ FOD की जो स्पीड है वो कुछ ऐसी आपको देखने के लिए मिल जाती है। एक बार और दिखा देता हूँ, एनिमेशन आपको काफी अच्छा मिल जाता है और स्क्रीन ऑन के साथ कुछ ऐसी है। तो मैं अगर आपको इसका कंक्लूजन बताऊं ना, स्पीड आपको जो है फास्ट नहीं मिलती अगर आप इसको कंपेयर करते हो, सेम आपको स्पीड मिलती है जैसी आपको यहाँ पे मिलती है स्क्रीन ऑफ के साथ में और ऐसी स्पीड आपको मिलती है स्क्रीन ऑन के साथ, तो फास्ट नहीं मिलता बट हाँ एक्यूरेटली अच्छे से वर्क करता है, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। फेस अनलॉक वगैरह आपको नहीं मिलता। वॉलपेपर एंड स्टाइल का लुक कुछ ऐसा है, थीम्ड आइकॉन आप यहाँ से इनेबल कर सकते हो। उसके बाद डिस्प्ले का सेक्शन है और यहाँ पे भी सभी चीजें सेम मिल जाती हैं, हेडलाइन बॉडी फॉन्ट थोड़े चेंज कर सकते हो। इसके अंदर ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, जो भी आप चाहते हो वो आप यहाँ पे लगा सकते हो।
और कलर्स का भी ऑप्शन है, तो कलर आप कोई भी यहाँ पे बूस्टेड वगैरह लगा सकते हो, ये भी आपका वर्क करता है। नेक्स्ट साउंड के अंदर मी साउंड इनहेंसर आपका प्रेजेंट है, यानी कि डायरेक्ट साउंड इनहेंसर। के बाद हाईफाई ऑडियो वगैरह सब कुछ आपको मिल जाएगा। बैटरी की बात करें, थर्मल प्रोफाइल्स आपको मिल जाती हैं। ये रहा इसका बैटरी यूसेज, अभी ओल्ड वाला ही आपको यहाँ पे सेक्शन देखने को मिल जाएगा। बट ये आप देख सकते हो कुछ ऐसा आपको यहाँ पे ना जो है स्क्रीन ऑन टाइम देखने को मिल जाएगा, यानी कि आप मान सकते हो 6 से 7 घंटे के बीच में आपको विदाउट गेमिंग यहाँ पे जो है बैटरी बैकअप मिलेगा। और मेरे को कोई दिक्कत वगैरह यहाँ पर नहीं आई। यहाँ पे कुछ चीजें आपको और मिल जाती है, ऑप्टिमाइज रेस्ट्रिक्टेड और अनरेस्ट्रिक्टेड वगैरह का ऑप्शन मिलता है। और चार्जिंग स्पीड है ना वो भी काफी अच्छी है, चार्जिंग स्पीड के अंदर मेरे को कोई भी इशू वगैरह नहीं मिले, काफी फास्टली आप कर सकते हो। पावर हब का ऑप्शन है, स्टेटस बार के अंदर डबल टैप टू स्लीप आपका ऑप्शन वर्किंग है, कोई दिक्कत आपको इसके अंदर नहीं आएगी। क्लॉक सेटिंग के अंदर सेंटर वाली क्लॉक आपको अभी नहीं मिलती, आई थिंक आप देख सकते हो यहाँ पर कोई भी आपको ऑप्शन अभी इनेबल्ड नहीं मिलता। नीचे आपके ऑप्शन है बट यहाँ पे इनेबल्ड नहीं मिलते। ट्रैफिक इंडिकेटर मिल जाता है जिसको आप यूज कर सकते हो, आपको मैं दिखा देता हूँ डायनेमिक वगैरह को, तो आपका ये भी यहाँ पे काफी अच्छे से वर्क कर रहा है, ऊपर आप चेक कर सकते हो। 4G आइकन वॉल्टी आइकॉन्स अभी एडिड आपको मिल जाएंगे, रोमिंग इंडिकेटर वगैरह मिल जाता है, स्टेटस बार आइटम्स मिल जाती हैं, क्विक सेटिंग के अंदर रनिंग सर्विसेज का ऑप्शन है, बाकी ये ऑप्शंस हैं। बटन्स के अंदर ये कुछ कस्टमाइजेशंस हैं। लॉक स्क्रीन के अंदर डबल टैप टू स्लीप का ऑप्शन है, म्यूजिक विजुअलाइजर है। पावर मेन्यू के अंदर एडवांस रीबूट ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं, एंड नोटिफिकेशन के अंदर ये इन कॉल वाइब्रेशन ऑप्शंस है। उसके बाद हेड्स अप का ऑप्शन आपको मिलेगा, एंड लास्ट में हमारे पास है गेमिंग मोड, अभी तो नहीं ऐड किया गया बट मिसलेनियस के अंदर आपको यहाँ पे फिंगरप्रिंट एरर वाइब्रेशन वगैरह मिल जाती हैं। तो अभी धीरे धीरे सभी चीजें आपको मिलनी स्टार्ट हो जाएंगी, बट काफी अच्छी कस्टमाइजेशन आपको मिल जाती हैं अगर आप चाहते हो। और अभी गेमिंग मोड भी आपको यहाँ पर नहीं मिलता, तो कुछ ऐसी चीजें आपको मिलती हैं इस रोम में। ये रहे इस रोम के Geekbench 5 के स्कोर, जो कि थर्मल प्रोफाइल्स के थ्रू मैंने आपको यहाँ पे कैप्चर करके दिखाए हैं, और स्टॉक कर्नल है। उसके बाद रही बात यहाँ पे परफॉर्मेंस की, जो कि सीपीयू थ्रॉटलिंग के अंदर कैप्चर की है मैंने। सीपीयू थ्रॉटल होता है 94% तक, मैक्सिमम GIPs यहाँ पे शो नहीं कर रहा, बट एवरेज है 2,08,000 के आसपास। एंड गेमिंग की बात करें तो गेमिंग परफॉर्मेंस भी काफी अच्छी हो चुकी है, बट अभी के लिए बेस्ट एंड्रॉयड 12 के ऊपर गेमिंग परफॉर्मेंस नहीं मिलेगी, तो वेट कर सकते हो थोड़े और अपडेट्स का जैसे मैं बोलता हूँ। तो जैसे कोई अच्छा और अपडेट आएगा ना, स्मूथनेस वगैरह काफी अच्छी है, बट हाँ अभी थोड़ी सी चीजों की कमी है जो कि होपफुली आने वाले अपडेट्स के अंदर मिल जाएगी। और हाँ, सबसे पहला जो अपडेट आया था उसके अंदर आपको जो है स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ लैग फील हो रहा था जब आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहे थे, बट इसके साथ आपको ऐसा कोई भी इशू नहीं देखने को मिलेगा। अभी आप काफी अच्छे से यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हो, कोई दिक्कत वगैरह आपको यहाँ पर नहीं आने वाली। और वन ऑफ द फास्टेस्ट आपको एंड्रॉइड 12 की रोम देखने को मिलती है रेडमी K20 प्रो के लिए। अगर आप ट्राई करना चाहते हो उसको ट्राई अभी कर सकते हो। और वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन बेल को ऑन जरूर से कर लेना। कोई सुजेशन हो तो कॉमेंट कर सकते हो। मैं मिलता हूँ आपसे एक और न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।